गणपतये नमः। श्री गुरुदेव दत्त। नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको खास महिलाओं के लिए सिर्फ एक मिनट में अपने पति को वश करने के वशीकरण मंत्र प्रयोग के बारे में बताने जा रही हूँ। यह एक तुरंत काम करने वाला पुरुष वशीकरण मंत्र प्रयोग है, जिसके लिए वशीकरण तंत्र में किसी भी प्रकार की सिद्धि साधना और पूजा विधि की सिफारिश नहीं की गई है। इस मंत्र से अपने पति के अलावा आप अपने प्रेमी, बॉयफ्रेंड या अन्य किसी पुरुष को अपने वशीकरण के प्रभाव में ला सकते हो। अब मैं आपको इस वशीकरण मंत्र के विधि के बारे में बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। विधि इतनी सरल और आसान है कि इसका प्रयोग कोई भी महिला बिना परेशानी से कर सकती है। इस मंत्र प्रयोग को आप किसी भी दिन कर सकते हो या किसी भी वक्त कर सकते हो, क्योंकि इस प्रयोग के लिए किसी भी शुभ मुहूर्त या शुभ काल की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल इतना ही करना है कि एक चुटकी भर सिंदूर अपने हाथ में लेना है, यानी कि अपने दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी में, यानी कि थंब एंड फर्स्ट फिंगर में लेना है। और जो शक्तिशाली वशीकरण बीज मंत्र में आपको इस वीडियो में आगे बताने जा रही हूँ, उस मंत्र का केवल आपको 7 बार उच्चारण करना है। यह देखिए, थंब और फर्स्ट फिंगर ऐसे चुटकी में लेना है और इस मंत्र का 7 बार आपको उच्चारण करना है। मंत्र इस प्रकार से है। ओम ह्रीं ठह ठह। फिर से सुनिए, ओम ह्रीं ठह ठह। 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 मंत्र उच्चारण करने के बाद उस वशीकरण मंत्र अभिमंत्रित सिंदूर को अपने माथे पर तिलक करके लगाना है। ऐसा करने से आप अपने पति या अन्य कोई मनचाहे पुरुष जिसके लिए आप यह मंत्र प्रयोग कर रहे हो, उसको आप अत्यंत आकर्षक, कामुक और लुभावने लगने लगोगे और वह तुरंत आपके वशीकरण के प्रभाव में आ जाएगा। मित्रों, यह पुरुष को वशीकरण करने का सबसे सरल और आसान वशीकरण टोटका है और यह प्रयोग 1 मिनट में हो सकता है। मित्रों, हम हमारे चैनल पर मंत्र और तंत्रों की जानकारी दे रहे हैं। वह प्रामाणिक और विश्वसनीय वशीकरण तंत्र पर आधारित है। अगर आपकी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास इन टोटकों को करने तो आपको जरूर सफलता प्राप्त हो सकती है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभु सबका कल्याण करेंगे।